लेकिन मेरे संयम से कितने लोग संतुष्ट और निर्भीक हैं। वो बल क्या जो दुर्बल की सेवा में न लगे, जो बल दूसरे को तपाने और सताने में काम आता है वो राक्षसी बल है, और जो बल दीन दुखी लाचार मोहताज की सेवा में आता है वो दैविक बल है, सात्विक बल है, संतत्व का बल है, साधक का बल है। ऋषभ देव राज्य वैभव में तो रहे, वर्षों की लंबी आयुष्य होती थी उस समय, एक 100 बेटों को जन्म दिया उन्होंने, और बेटों को केवल आचार्यों से और शिक्षकों से विद्या शिक्षा दीक्षा नहीं देते, खुद भी बेटों को शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा। बच्चों को बुलाकर ऋषभ देव कहते हैं कि पुत्रों ये जो शरीर है भोग भोगने के लिए नहीं है, ये काम विकार का भोग तो सुअर भूंड कुत्ता और मुर्गे मुर्गियां भी भोगते रहते हैं, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है योग करने के लिए। वो पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्रों को संयम और भक्ति का मार्ग दिखाकर मुक्ति के रास्ते ना ले जाए, वो माता माता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो सखा सखा नहीं, वो संबंधी संबंधी नहीं है। पिता न सस्यात, पिता बेटों को कहता है, पिता न सस्यात वो बाप बाप नहीं है, जननी न सस्यात वह जननी जननी नहीं है, देवो न सस्यात वो देवता देवता नहीं है, गुरु न सस्यात वो गुरु गुरु नहीं है। जो बोलते मन में जो आए वो करते जाओ, रोको मत मन को, तो उन विचारों को ये भागवत का प्रसंग अच्छी तरह से पढ़ना विचारना चाहिए, यौन सुरक्षा पुस्तक अच्छी तरह से 5 बार पढ़नी पढ़ानी चाहिए। त्यागात शांति निरंतरम, जितना जितना विषय विकारों का त्याग होता जाएगा उतना उतना शांत होते जाएंगे, परमात्मा शांति में, और जितनी जितनी परमात्मिक शांति बढ़ेगी उतना उतना आपकी योग्यता निखरेगी, आवश्यक सामर्थ्य मिलेगा और अवांछनीय वृत्तियां अवांछनीय जो दोष हैं वो निवृत्त होते जाएंगे। जिसको ऊंचा जीवन जीना है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना अवशेष नहीं ऐसे पद पे जाना है, तो उसको भोगों का आकर्षण और भोगियों की दोस्ती से बचते रहना चाहिए। जैसा संग ऐसा रंग, इन आंखों को कितना दिखाओ एक दिन जला देनी है, इसके लिए दृश्य क्या है, वो सुंदर है फलाना सुंदर फलानी सुंदर। मेरे मित्र संत है लालजी महाराज, उनके यहां एक युवक साधु आया था, भोजन करता था रहता था, भजन छोटा मोटा करता था, महाराज के यहां दर्शन करने एक दुल्हन आई तो युवक की आंखें उस दुल्हन के पीछे पीछे, दुल्हन जहां प्रणाम करती तो वहां आंखें टिकाई, जहां भगवान के मंदिर के तरफ जाती तो आंखें वहां। लालजी महाराज ने धीरे से उसको कहा कि वो अभी माई आई थी लड़की शादी शुदी दुल्हन, तो तुम्हारी आंखें उस पर इतनी टिकी है ठीक नहीं है। उसने बोला महाराज क्या हो गया इसमें, भगवान ने आंखें दिए तो देखने के लिए दिए ना। महाराज ने कहा अच्छा भाई तुम हमारी बात नहीं मानते तो देखो अब तुम्हारी साधुता कितना दिन टिकती है। समय बीतता गया, वो साधु तो वहां से चला गया, 2-3 साल के बाद वो आया, उसके चेहरे में खड्डे, आंखें अंदर घुस गई, एक कंगला अपराधी व्यक्ति का जैसा चेहरा लेकर। लालजी महाराज के द्वार बाहर खड़ा रहा, बाप जी ओम नमो नारायण, बोले नारायण। महाराज तुम कौन हो, बोले महाराज मैं फलाना हूं, 3 साल पहले आपके यहां आया था। अरे बोले तुम वही हो महाराज, साधु बोले हाँ महाराज मैं आ सकता हूँ, भूख लगी है भिक्षा के लिए, बोले आओ बैठो, बोले मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2-3 साधु और भी हैं, बोले 3 साधु और कहाँ हैं, तो एक औरत थी और 2 बच्चे थे, तीनों को काशाय वस्त्र थे साधु के, बोले 3 साधु कैसे, बोले बिचारी का पति स्वर्गवास हो गया था, अनाथ हो गई थी, मेरी शरण आई तो मैंने इसको साधुताई की दीक्षा दे दी और बच्चों को भी दीक्षा दे दी, उनको पढ़ाता हूँ, 3 आत्माओं का थोड़ा भरण पोषण। महाराज
महाराज समझ गए कि ये चंडी आंखों ने इस पोजीशन पे पहुंचा दिया। वो जब अकेले में कहीं नर्मद किनारे नहाने गया तो वो जो साधु वेश में वो अपनी लाया था एक विधवा को, उससे पूछा सच बता क्या। बोले पहले तो हमारे को हमारा पति चला गया और फिर हमारा उनका आपस में लव हो गया, फिर इनको कमाने की तकलीफ रही तो मेरे को भी संन्यास के कपड़े दे दिए और बेटों को भी दे दिए और मांगता और मेरे को भटकाता, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लालजी महाराज ने उस साधु को पूछा क्यों आंख देखने के लिए दी है, लेकिन क्या देखना, कितना देखना, किस भाव से देखना, इसकी अक्ल भी भगवान ने दी है, उपयोग करता तो ये बुरे हाल नहीं होते। एक बार कहीं नजर पड़ गई क्षम्य है, दोबारा पड़ गई और भाव अशुद्ध है तो फिर अपराध है, और अशुद्ध भाव होने पर तीसरी बार अगर बुरी नजर से देखा तो आप अपनी पतन की खाई खोद रहे। तन से भले आपने अपने को संभाला है लेकिन मन से तो आपका पतन हो गया, वो परम सुख का जो अधिकार है उससे आप नीचे गिरते गए। इसीलिए करोड़ों करोड़ों लोग धार्मिक है, भगत हैं, लेकिन कोई विरला है जो परम पद की अनुभूति करा। चलो चलो सबको कहे विरला पहुंचे कोई। हां सादी सुदे ऋषि मुनियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, लेकिन उनकी आंख में और उनके हृदय में वो आकर्षण नहीं रहा। जो प्रीति और आकर्षण प्रभु के लिए होना चाहिए वो अगर हार्ड मास के लिए रखा तो फिर जहां काम भाव होगा वहां राम भाव कैसे आएगा, जहां भोग का महत्व होगा वहां योग का महत्व कैसे समझेगा। कितना भी बड़ा भारी दुखी व्यक्ति हो दो मिनट के लिए बैठ जाए, बड़ा महा दुखी है समझो, उस समय भावना करे के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं घिंघरुले बाल वाले, सांवली सूरत वाले, मोहन मुरली वाले और वरदस्त दिखाए हुए, फिर बंसी बजाए हुए कहते फिकर न कर, अच्छा नहीं करता तू मेरा मैं तेरा, वो भाव क्या तुम्हारे भाव से भगवताकार वृत्ति बन जाएगी दो मिनट के लिए, बड़ा भारी दुख भी उस समय नहीं रहेगा। अगर बड़े भारी दुख में भी आप भगवत भाव करते तो दो मिनट भगवत भाव होगा तो दुख का भाव चला जाएगा, दुखाकार वृत्ति एक साथ में एक समय पर दो भाव नहीं रह सकते, दुख का भाव भी और भगवत भाव भी नहीं रह सकते। जब भगवत भाव की आदत बढ़ जाए तो फिर बड़े भारी दुख के प्रसंग भी आए तो भी दुख का भाव प्रकट नहीं होगा तो बड़े भारी दुख से कैसे चलित होगा। ये जरूरी नहीं कि बाहर से दुख आता है तभी आदमी दुखी होता है, नहीं नहीं, दुख का भाव बनता है, दुखाकार वृत्ति बनती है तभी आदमी दुखी होता है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है लेकिन सब समय वो रोकर नहीं उठता है, कभी कभी चोट लगने पर भी उसके मन में दुख का भाव नहीं बनता है, ऐ मतोला मर गया, ओ चोट तो लगी, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। सियाणी माताएं होती है, लड़का गिर गया, अरे 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 देव मकोड़ो मारी ना, क्योंकि हाँ मतोलो मारी, अब चोट तो लगी लेकिन भाव माने दुख का नहीं बनने दिया तो दुखी नहीं। ऐसे सुख सामग्री के साधन में जीता हुआ आदमी सुखी है, इस गलती में मत पड़ना। सारी सुविधाओं में भी आदमी के चित्त की वृत्ति अगर दुखाकार है तो वो दुखी है। मिस्टर फोर्ड के पास कोई डोनेशन लेने गया, वो दिन को तो मिलता नहीं था, बिजी आदमी था, देखा कि अब इससे डोनेशन लेना है तो रात को इसको पकड़ो, बिस्तर पे जाता हूं उस समय पकड़ो। मिस्टर फोर्ड जो बिस्तर पर आराम करने की तैयारी का समय उसने जान लिया था, वो पादरी वहां